देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा 15 जनवरी से 3 मार्च तक सैनिक सम्मान अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मंडलीय कारागार गोरखपुर के समक्ष एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल, महेंद्र पाल सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, भाजपा के जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी और पूर्व सैनिक और उनके परिजन तथा गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक कर्नल दयाशंकर दुबे ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। भाजपा के द्वारा शहीदों के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के लिए शहीद होने वाले 25 सैनिकों के परिवारों को सम्मानित करते हुए उन्हें शाल और गीता भेंट की। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि सैनिकों की शहादत की बराबरी किसी भी चीज से नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि सैनिक और संत की एक जैसी गति होती है, दोनों मातृभूमि के लिए खुद को समर्पित कर सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने देश की रक्षा और देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, उन्हें नमन और उनके परिजनों का सम्मान करता हूं। सीएम योगी ने कहा कि एक सैनिक सीमा पर अपने प्राण न्यौछावर कर देश की रक्षा करता है। मुझे लगता है कि सभी देशवासियों को अपने अंदर इस तरह का भाव रखना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार में शहीदों के नाम पर ब्रिज और डिग्री कॉलेज के साथ स्मारक भी बन रहे हैं। यहाँ पर काकोरी कांड के शहीदों का भव्य स्मारक और म्यूजियम भी बनेगा, जिसमें देश के उन शहीदों की याद को सजोने की व्यवस्था की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि आजकल जाति के नाम पर लोगों को बांटने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। भारत केवल राष्ट्र नहीं, एक जीता जागता देश है। इस देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, ऐसे महापुरुषों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। इस अवसर पर अपने संबोधन में कर्नल दयाशंकर दुबे और प्रदेश मुखिया सीएम योगी ने कहा, बैकग्राउंड को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी से अनुरोध है, हम मंचासीन अतिथिगणों से अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की जाए। पूज्य महाराज जी, हम मंचासीन अतिथिगण दीप प्रज्वलन करते हुए एकेडमी के बच्चे मंच से नीचे आ जाए लोग, बेटा मंच पे आने का कष्ट है, हमारी संस्कृति आयुषा तो ही बंदे मात्रा की प्रस्तुत करने के कष्ट है। प्रिया बच्चा मंच पे आ जाए, बेटा को आगे बढ़ाते हुए मैं पूज्य महाराज जी का कर्नल जयशंकर दुबे जी स्वागत करते हुए अब मैं गोरखपुर क्षेत्र के
कि सैनिक सम्मान अभियान के संयोजक और गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री बड़े भाई पूज्य महाराज जी का स्वागत करते हुए आदरणीय श्री प्रदीप शुक्ला जी, इसके बाद गोरखपुर जी से आग्रह है कि पूज्य महाराज जी को शहीदों के सम्मान में आयोजित हुआ है, हम सबका सौभाग्य है कि हम सबके बीच में पूज्य महाराज जी उपस्थित हैं। इसके बाद श्री मनोरमा सिंह जी, शहीद वीके सिंह जी की पत्नी श्री मनोरमा सिंह जी, जी वो ऑपरेशन रक्षक थे, शहीद हुए थे 1993 में। आप आ जाए के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री उपस्थित हैं। इसके बाद प्रिया सिंह जी के बाद सुमन तिवारी जी तैयार रहेंगे, 2AFOD श्रीनगर आतंकवादियों द्वारा शहीद हुए थे। इसके बाद शहीद शिव सिंह छेत्री जी, थोड़ा पीछे हो जाइए, क्रमवार आते रहे, क्रमवार आप लोग आते रहे, आपसे आग्रह की आवाज आए। इनके बाद शहीद शिव सिंह छेत्री जी के पिता श्री गोपाल छेत्री जी, आपसे आग्रह की मंच पे आ जाए पिता गोपाल छेत्री जी। गर्मी लगता है यार, दाएं रहिए तो। इसके बाद में लाइन बोर्ड ऑफ क्षेत्र तैयार रहेंगे लोग, श्रीमती लक्ष्मी देवी जी तैयार रहेंगी। सामने सट जाइए, एक की पत्नी कमला देवी जी तैयार रहेंगी। शहीद दिव्यनाथ जी की पत्नी विज्ञान पत्नी सुमित्रा देवी जी, श्रीमती कमल का जो आगाज हुआ है इस गोरखपुर से पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, और एक एक बात आज मैं बिना किसी उद्बोधन के सीधे सीधे बात करना चाहता हूं कि आदरणीय महाराज जी, मंच पर मंजा सिंह, विशिष्ट अतिथिगण, सामने बैठा पूर्व सैनिक परिवार, मेरे भाजपा के कार्यकर्ता बंधु, आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं सीधा सीधा उन चीजों पर आऊंगा जो एक पूर्व सैनिक को अपने घर के मुखिया के सामने रख देनी चाहिए। मैं आदरणीय महाराज जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि अपने व्यस्ततम कार्यों में से मकर संक्रांति, महाकुंभ और सैनिक सम्मान और संगठन की अलग से बैठक, इन सब में से यदि आज के दिन में कोई प्राथमिकता दी है तो महाराज जी ने प्राथमिकता दी है सैनिक सम्मान अभियान की। इसके लिए आप सबसे आग्रह करूंगा कि जोरदार सैनिक वायदा मिल जाइए, अपने उन शहीदों को नमन करते हैं जिनके वजह से, जो एक हमारे लिए उद्देश्य बने हैं जिनके वजह से हम यहां खड़े हैं। आभार व्यक्त करेंगे उन महान आत्माओं की जो शहीद हो चुके हैं और आज हमारे बीच में नहीं है। कहा जाता है कि आदमी का प्राण जो है वो संस्कृत में है, लेकिन अभी चूंकि समय की कमी है इसलिए सीधी सी बात करूंगा मैं, वासांश जदान इथा विहाया नवान गृहात नरो परानी, जिस तरह से बस आदमी बदल देता है आत्मा भी कुछ ऐसे ही बदल देती है। वो आत्माएं, शहीद आत्माएं जहां कहीं भी होगी महाराज जी के आशीर्वाद से स्वर्ग में वास कर रही होंगी और महाराज जी के आशीर्वाद से उनको याद किया जाएगा, वो हमारे बीच में पुनः बैठी हुई है ऐसा मेरा मानना है। कार्यकर्ता बंधु, भारत के सैनिक का कोई यदि धर्म होता है तो एक धर्म है और वो है राष्ट्र धर्म, और यदि उसकी कोई जाति है तो वो जाति है सैनिक। जो उत्तर प्रदेश में महाराज जी 4,34,000 निवास करते हैं, सबसे ज्यादा जनपद गाजीपुर के गहमर में 28,537 पूर्व सैनिक रहते हैं, उसके बाद पश्चिम में बुलंदशहर में
24,690 पुरुषारी गाते हैं, और उसके बाद यदि कोई सबसे बड़ी संख्या है तो वो लखनऊ निवास करती है, फिर गोरखपुर रहती है। मैं गोरखपुर के पूर्व सैनिकों का विशेष करके आभार व्यक्त करूंगा कि हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि यहां से इसकी शुरुआत हो रही है। महाराज जी, इस सैनिक सम्मान का आगाज राष्ट्रीय स्तर पर 15 तारीख को हो चुका है। उससे दो दिन पहले एक और सम्मान महाराज जी हम लोगों को मिला है कि फिल्म जगत की तरफ से एक ऐसी फिल्म का उद्घाटन हुआ है या लोकार्पण हुआ है जिसका नाम है उड़ी। मैं सर्व समाज से प्रार्थना करूंगा उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, उस सर्जिकल स्ट्राइक को आप जरूर देखें। ये इसलिए देखें कि देश के कुछ लोग हैं, कुछ पार्टियां हैं जिनको सैनिकों पर भी अब शक होने लगा है। कहते हैं हमको प्रूफ दीजिए कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक कैसे की, कब की, तो दे दिया हमने प्रूफ। फिल्म जगत से फिल्म मैंने खुद देखी है, हूबहू वही चीजें उसमें दिखाई गई है। मुझे लगता है इससे बड़ा सैनिक का सम्मान फिल्म जगत की तरफ से कोई हो ही नहीं सकता। आग्रह करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री होने के नाते कि आप सबके हम सबके संरक्षक हैं। एक परंपरा है कि जब देशभक्ति कोई फिल्में होती हैं तो कभी कभी उनको टैक्स फ्री कर दिया जाता है। महाराज जी, मुझे लगता है कि मैं अभी नहीं कुछ कहना चाहता, नहीं कहवाना चाहता, विचार के लिए और आपके आशीर्वाद के लिए इस बिंदु को जरूर रखना चाहता हूं महाराज जी। और फिर हम पूर्व सैनिक समाज की तरफ से महाराज जी विश्वास दिलाते हैं कि जिस कार्य के लिए हम लोग यहां आए हैं, पूर्व सैनिकों के घर घर जाकर के हम समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। जो आपने जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सैनिक बोलता कम है और कार्रवाई ज्यादा करता है। तो यदि हमारे सेवारत सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का यश बढ़ाया है, तो महाराज जी हम आपको वादा करते हैं इन पूर्व सैनिकों की तरफ से कि हम भी चाहे कितने भी गठबंधन हो जाए, किसी भी पार्टी से किसी का मिलान हो जाए, लेकिन हम घर घर जाकर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे कि 2019 में हमारी फतह निश्चित है। आपके बारे में प्रशंसा करना सूरज को कुछ भी दिखाने के बराबर है। आपको पैसे के अलावा कोई पूछने वाला नहीं था। जब ये बिंदु हम लोगों ने आदरणीय महाराज तक पहुंचाया तो वो निकल करके ऐसा आया कि हमारे शहीद परिवारों के जीवन के लिए, जीवन के रक्षण के लिए, भरण के लिए एक मुद्दा बन गया। और आज कोई भी सैनिक शहीद होता है तो उसके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति यदि कोई मिलती है तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से मिलती है। 113 फिगर आपको याद होगा, ऐसे ही अप्लीकेशन और साथ पड़े हुए हैं। मुझे लगता है आपके आशीर्वाद से वो भी पूरा हो जाएगा। सैनिक भाइयों, ये वही मुख्यमंत्री जी है जिन्होंने अभी एक बात कही थी कि सैनिक और संत का जीवन एक होता है, इसमें तो कहीं कोई शक ही नहीं है। और शायद इसी वजह से वन रैंक वन पेंशन का आपने जिक्र किया था, जो 40 साल तक बाकी पार्टियों ने लटका करके रखा और पूर्व सैनिक शहादत देते रहे। आज केंद्र की ये यशस्वी सरकार ने सभी सैनिकों के हाथ खोल दिए हैं और उनकी संख्या घट रही है। और आज की स्थिति ये है कि वहां पर जो भी हो रहा है वो 9 के बराबर हो रहा है या एक्सीडेंट के तौर पर हो रहा है, क्योंकि जो दुष्ट होता है वो मानता नहीं है, उसको छद्म युद्ध करना है। तो छद्म युद्ध करने वाले को तो आप ही के माध्यम से ये संदेश चला जाए कि अब हमारा हिंदुस्तान बदल रहा है। ये वो हिंदुस्तान नहीं है, ये अब नया हिंदुस्तान है। ये भारतीय जनता पार्टी मित्र सरकार का सैनिक है जो अंदर भी घुसेगा, मारेगा भी, रोने भी नहीं देगा और वापिस आएगा। इस बात को आप ध्यान रखें। मैं कुछ महाराज जी से आग्रह करता हूं कि अपना आशीर्वचन हम सबको प्रदान करें। कुछ महाराज जी, जिला संयोजक मनोज सिंह जी, क्षेत्रीय संयोजक अमरनाथ दुबे जी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर
एक बृहद अभियान अपने हाथों में लिया है। यह अभियान देश की सीमा की रक्षा करते थे, विपरीत परिस्थितियों में माइनस डिग्री पे टेम्परेचर पे स्वयं की चिंता के बगैर पूरे देश को सुरक्षा प्रदान करने वाले अपने वीर सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सहित सम्मान सप्ताह का आयोजन किया है। राज्य इस कार्यक्रम का शुभारंभ यहां गोरखपुर से हो रहा है। मैं इस अवसर पर भारत माता के उन महान सपूतों जिन्होंने इस देश की रक्षा करते हुए आजादी के बाद अपने आप को मातृभूमि में बलिदान किया और आजादी से पूर्व देश की स्वाधीनता के लिए लड़ते थे, अपना सर्वस्व निछावर किया, ऐसे सभी वीर सपूतों के प्रति नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। हृदय से अभिनंदन करता हूँ क्या जो भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम में सैनिक सम्मान के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मित्रों, एक बात जो सबके सामने आती है वह यह कि एक सैनिक और एक संत की एक जैसी गति होती है। दोनों के बारे में भारतीय परंपरा ये मानती है कि दोनों मातृभूमि के लिए समर्पित होकर के सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। स्वाभाविक रूप से भारत की सुरक्षा आज अवैध बनी हुई है, हम सब सुरक्षित हैं इसलिए क्योंकि हमारा एक वीर सैनिक मोर्चे पर लड़ करके अपनी आहुति दे करके इस देश की सीमाओं की रक्षा करता है और सीमाओं की सुरक्षा के माध्यम से हम सबको एक नया जीवन देता है। स्वाभाविक रूप से भारत माता के इन सभी वीर सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव प्रत्येक राष्ट्रभक्त नागरिक के अंदर होना चाहिए और इस देश से भारतीय जनता पार्टी ने सैनिकों के सम्मान के प्रति एक कार्यक्रम आज यहां पर रखा है। इस कार्यक्रम में देश की आजादी के आंदोलन में जिन हुतात्माओं ने अपना बलिदान दिया, पहले चरण में उन सभी कार्यक्रमों में सहभागी बनने का कार्यक्रम, और मुझे लगता है कि गोरखपुर में जब इस प्रकार की बात आई तो हम सब जानते हैं कि 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर के इसी जेल में काकोरी कांड के नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को यहां पर फांसी की सजा दी गई थी। मैं भी उस दिन पहले सांझापुर में गया था। सांझा को एक मंजिल तक पहुंचाने के लिए जिन हुतात्माओं ने अपना बलिदान दिया था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वे वहां पर आर्य समाज के एक प्रचारक के रूप में कार्य करते थे। ठाकुर रोशन सिंह, अस्ताउल्लाह खां, राजेंद्र प्रसाद लाहड़ी, चंद्रशेखर आजाद, ये वे महापुरुष हैं, वे हुतात्मा हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व मातृभूमि के लिए बलिदान कर दिया था। और मुझे सांझापुर में ठाकुर रोशन सिंह के गांव में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।
अब आश्चर्य करेंगे कि आजादी के बाद भी उस गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। वहां के हमारे विधायक ने विधानसभा में एक प्रश्न लगाया था, शहीद के गांव में पेंटून ब्रिज क्यों, पक्का ब्रिज क्यों नहीं बन सकता। और मैंने कहा इसका तत्काल पक्का ब्रिज यहां स्वीकृत करो और उस ब्रिज का नाम उस शहीद के नाम पर के रखो। इसके बाद हम लोगों ने उस गांव में एक डिग्री कॉलेज भी मैंने उस शहीद के नाम पर वहां पर दिया। सांझापुर में हम लोगों ने एक स्मारक बना रहे हैं और इस स्मारक के साथ ही हम लोगों ने इन काकोरी कांड के जो हीरो थे, जिन्होंने अंग्रेजों का खजाना लूट करके अंग्रेज सल्तनत को समय चुनौती दी थी, उनका एक भव्य स्मारक बनाने की कार्रवाई वहां पर प्रारंभ हो रही है। उसमें एक म्यूजियम भी बनेगा जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकउल्लाह खां और देश के उन अमर शहीदों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को वहां पर संग्रहित करके और वहां पर रखने की व्यवस्था आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बन सके, इस विषय कार्यक्रम हम लोगों ने वहां पर कार्य प्रारंभ किया है। मुझे याद है जब विगत वर्ष, जब इससे पहले सरकार ने इस गोरखपुर जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की कोठरी पर जाने के लिए जो रास्ता था उसे बंद कर दिया था, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी ने यह बात मेरे संज्ञान में लाई और मैंने तत्काल जेल प्रशासन को इस बात का निर्देश दिया कि नहीं, आम जनमानस के लिए वह स्थल तीर्थ स्थल है इसलिए उसे बंद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसके सुंदरीकरण की योजना बनाकर के प्रयास होना चाहिए कि गोरखपुर के स्कूली बच्चे, कॉलेजेस के बालक बालिकाएं, ये सभी लोग वहां का भ्रमण करें, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में जानें और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन चरित्र से प्रेरणा प्राप्त करके वे लोग भी राष्ट्र भक्ति का यह मार्ग अपने जीवन में अपनाएं। और इस बात को लेकर के फिर हमने पर्यटन विभाग से 1,88,00,000 रुपए यहाँ के लिए स्वीकृत भी किए हैं। सुंदरीकरण की व्यापक कार्य योजना हम लोगों ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति को ध्यान में रखते हुए इसके सुंदरीकरण के लिए बनाई है। ऐसे अनेक महापुरुष हैं जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था देश की आजादी के लिए। आजादी से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। ये जो जाति के आधार पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर समाज को बांटने की कुछ सी चेष्टाएं आजादी के बाद लोगों ने सत्ता स्वार्थ के लिए किया है, ये वास्तव में इस देश की आजादी के लिए खतरा पैदा करने की कुछ सी साजिशें हैं। और अगर हम इसी प्रकार से विभाजित देश, यह देश गुलाम क्यों हुआ, क्योंकि हम बंटे थे आपस में जाति के आधार पर, छुआछूत के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर एक जगह आक्रांता हमला करते थे। हम लोग ये मानते थे कि हमारा क्या, वो हमारी जाति का नहीं, मेरे क्षेत्र का नहीं, मेरे भाषा का नहीं, और अंततः पूरे देश को उसकी चपेट में आना पड़ा। राष्ट्र केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र है, इसकी एक आत्मा है जो हम सबको जाति भेद से, छुआछूत और अस्पृश्यता के भेदभाव से ऊपर उठ करके राष्ट्रभक्ति की एक भावना के प्रति प्रेरित करती है। और राष्ट्रभक्ति की इस भावना को अंगीकार करने के लिए ही भारत माता के अमर बलिदानियों ने अपना सर्वस्व निछावर भारत की आजादी के लिए किया। यह देश मातृभूमि के लिए सब कुछ अर्पित करने वाले महापुरुषों को सदैव स्मरण करता है। आज हम महाराणा प्रताप का स्मरण क्यों करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्मरण क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने मातृभूमि के लिए जिया था। चार चार पुत्र मातृभूमि के लिए अपना बलिदान कर रहे हैं लेकिन तब भी उफ नहीं किया,
जब उनसे पूछा गया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से पूछा गया कि औरंगजेब ने आपके चार चार पुत्रों को मार डाला है, शहीद कर दिया है, आप क्यों इस सरहिंद की इस आजादी के लिए, इस धर्म और संस्कृति के लिए कितना और बलिदान देंगे? उनका एक ही जवाब था, और जवाब था कि चार मई तो क्या हुआ, जीवित कहीं हजार। उन्होंने कहा मेरे तो चार पुत्र है भी गए हैं, लेकिन अभी तो कई हजार हैं, और खालसा पंथ की स्थापना करके उन्होंने धर्म और संस्कृति का जो अलग जगाया था, आज भी हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को स्मरण करते हैं। आजादी बिना बलिदान के, बिना त्याग के अछूने नहीं रखी जा सकती है, और ये आजादी हमें बिना त्याग और बलिदान के नहीं मिली है। अनगणित भारत माता के सपूतों ने अपना बलिदान दिया, तब देश को आजादी मिली, और आजादी की इस कीमत को वर्तमान पीढ़ी को समझना होगा। और इसीलिए इस सम्मान को समझते हुए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्व सैनिकों के सम्मान में अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। वन रैंक वन पेंशन की योजना लागू करना उसी का हिस्सा है। 1971 से मांग चल रही थी, 1973 से इस मांग को एक स्वरूप देना प्रारंभ हुआ, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, वन रैंक वन पेंशन की योजना लागू करने में तब सफलता प्राप्त हो पाई। इसी प्रकार से दिव्यांगता पेंशन की योजना, कोई सैनिक दिव्यांग हो जाए उसे आजीवन एक असाधारण पेंशन की व्यवस्था, यानी पूरे वेतन के बराबर पेंशन की व्यवस्था देने का कार्य, यह न केवल सैनिकों के लिए भारत सरकार ने प्रारंभ किया, अभी तो उत्तर प्रदेश के लिए हमने अपने पुलिस के जवानों के लिए भी इस व्यवस्था को लागू किया। पूरे देश को जोड़ने के लिए, चाहे वह सैनिकों के सम्मान का हो, उनके भोजन और उनके वस्त्रों का हो, उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराने का हो, उन्हें अत्याधुनिक सुविधाएं से युक्त करने का हो, कि दीपावली मनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान की सीमा पर जाते हैं सैनिकों का सम्मान करने के, इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। नए नए हथियार खरीदे जा रहे हैं सैनिकों के लिए, ऐसा नहीं कि अगर कोई हम पर युद्ध थोपे तो हम चुपचाप बैठ जाएं, या जंग लगे हुए हथियार अपने सैनिकों को दें। हम युद्ध के पक्षधर नहीं, लेकिन कोई युद्ध हम पर थोकेगा तो युद्ध का निर्णय भी हम करेंगे, हमारा सैनिक करेगा, यह तय करने की जिम्मेदारी भी आज भारत सरकार ने तय की है। और इसीलिए इस दिशा में आगे बढ़ने, अर्ध सैनिकों का भी सेना की तरह ही सम्मान करने, पुलिस के जवानों को भी उसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने, और हम अपने हथियारों की आपूर्ति के लिए दुनिया में विदेशों पर ही निर्भर न रहें, बल्कि मेक इन इंडिया के भाव पर, तर्ज पर हम भारत के अंदर भी हथियारों का निर्माण कर सकें और दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकें। दो डिफेंस कॉरिडोर पिछले बजट में भारत सरकार ने स्वीकृत किया था, एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को मिला है, उत्तर प्रदेश में उस डिफेंस कॉरिडोर पर कार्य कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि फरवरी प्रथम सप्ताह में हम उसका शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों करवा देंगे, हजारों नौजवानों को नौकरी मिलेगी, लाखों नौजवानों को और उद्यमियों को इसके साथ रोजगार की सुविधाएं प्राप्त होंगी। अनेक अन्य ऐसी योजनाएं जिन योजनाओं के माध्यम से इस देश के अंदर सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव जागृत हो, यह कार्यक्रम भारत की सरकार ने प्रारंभ किया और हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था की है। हमारी सरकार मार्च 2017 में प्रदेश में आई, हमने सुनिश्चित किया देश की सुरक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए कोई सैनिक शहीद होता है, हमारी आर्मी का हो, पैरामिलिट्री का हो,
हमारा पुलिस का जवान हो, हमारा कोई ना कोई मंत्री वहां जरूर पहुंचे सम्मान देने के लिए, हमारे जनप्रतिनिधि वहां जरूर पहुंचे। हम लोगों ने यह भी व्यवस्था की है कि जहां सैनिक शहीद होता है, जिस गांव का रहने वाला, उस गांव को हम शहीद गांव घोषित करेंगे, वहां पर हम लोग बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे और उस सैनिक के नाम पर वहां की सड़क का नाम गौरव पथ के रूप में उसे विकसित करने का कार्य करेंगे, उनका तोरण द्वार बनाएंगे, उनकी मूर्ति स्थापित करेंगे, उनका इतिहास वहां पर रखेंगे। कोई एक संस्था का नाम उन अपने शहीद सैनिक के नाम पर रखने की कार्रवाई, और सैनिक शहीद होता है उसके परिवार के एक सदस्य को हम प्रदेश सरकार में समायोजित करने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। हमने इसमें 113 ऐसे परिवारों को अब तक समाहित किया है। सैनिक शहीद होता है, भारत सरकार और सेना का अपना नियम है, वे लोग सहयोग करते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से भी हमने सैनिक शहीद होने पर प्रदेश सरकार की तरफ से 20,00,000 रुपए शहीद परिवार की सदस्य परिवार को, और अगर माता पिता जीवित हैं तो 5,00,000 रुपए उस परिवार को भी देने की व्यवस्था हम किए हैं और इसको लगातार हम जारी रखे हुए हैं, क्योंकि वह बलिदान सर्वोच्च बलिदान है देश के लिए, मातृभूमि के लिए। और मुझे लगता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी तो यही कहा था, लक्ष्मण से उन्होंने लंका में एक ही बात कही थी, जब लंका के वैभव पर लक्ष्मण जी मोहित हो रहे हैं तो भगवान राम उनको कहते हैं कि लक्ष्मण अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते। उसकी जो दूसरी पंक्ति है वह मुझे लगता है जिसको लेकर के भारत का प्रत्येक सैनिक देश की सीमा में हो या जहां भी उसको लगाया जाता है वहां पर जो अपना दायित्व निभाता है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जननी और जन्मभूमि इन दोनों का कोई दूसरा विकल्प नहीं है और इसलिए उसको अपना ध्येय वाक्य मान करके वह निरंतर कार्य करता है, सीमाओं की रक्षा करता है, देश की सुरक्षा करता है और इस सुरक्षा के भाव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने, उन शहीद सैनिकों के परिजनों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया है। मैं धन्यवाद दूंगा कर्नल श्री दुबे जी को, उनकी पूरी टीम को, भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय जनपद और महानगर की पूरी कार्यकारिणी को कि जिन्होंने ये कार्यक्रम इतनी भव्यता के साथ यहां पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की इस स्मारक पर किया है। मुझे विश्वास है यह कार्यक्रम और बृहद स्वरूप लेगा, हर सैनिक के घर तक पहुंचेगा, हम हर सैनिक के परिवार को सम्मानित करने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः इस देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले उन सभी उत्तमात्माओं के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि करता हूँ, कोटि कोटि नमन करते हुए आप सब उन सब के प्रति अपने विनम्र श्रद्धांजलि करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।